हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मैं अपना नाम कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी बनाने जा रहे हैं, इतना सुंदर और इतना हेवी सेट बन के तैयार हुआ है कि देखिए मार्केट में भी अगर आप खोजने जाओगे तो ऐसी ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगी। मजाक कर रहा था, पर सच में भी आप ऐसी ज्वेलरी गोपाल जी के लिए खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बहुत ही आसान वे में मैंने इसे बना के तैयार किया है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एच के श्याम श्रृंगार चैनल को और साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हमें इस टाइप से बुकरम का एक पीस कट कर लेना है, तो इसका आप शेप देख ले मैंने कैसे कट किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कटिंग में जाना नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर फेवी बॉन्ड ग्लू मैंने लगाया है, जो कि हार्ड ग्लू होता है फेवी बॉन्ड का, आप फैब्रिक ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक नॉर्मल स्क्वायर शेप वाला है, छोटा स्क्वायर शेप वाला ये कुंदन है। इसके बाद में ड्रॉप शेप वाले मैं और 3 कुंदन ऐसे नीचे साइड में लगा रहा हूँ। तो इस शेप में आप चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, मैंने एक नॉर्मल शेप रखा हुआ है। जो ये इसमें मैंने मटेरियल यूज़ किया है इसके रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक हेडपिन है, इसको हेडपिन बोलते हैं। इसके एक साइड जो है वो बंद होता है, तो इसके अंदर मैं एक मोती डाल के नेल कटर की हेल्प से मैं कट कर रहा हूँ और फिर पकड़ की हेल्प से यहाँ पे ऊपर साइड में गोल बना रहा हूँ, हुक बना रहा हूँ। तो हुक को हम अच्छे से पैक कर देंगे, कहीं से भी मोती निकलने का या फिर इसको अटकाने के बाद कोई चांस ना रहे। इस टाइप से हमें 3 हुक बनाने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं नॉर्मली ही हुक है। इसके बाद में एक आई पिन लेनी है हमें, ये नॉर्मल वाली जो पिन होती है जिसके अंदर पहले से ही हुक बना हुआ होता है। इस हुक को ढीला करके इसके अंदर ये तीनों जो कुंदन सॉरी जो मोती के लटकन हमने बनाए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक सेम साइज़ का मोती लेंगे और इस पिन में हम डाल देंगे, तो इस प्रकार से। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करके जो ये बाकी वाला बचा हुआ भाग है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, राउंड बना देंगे। तो इस टाइप से आपको इसको राउंड बनाना है। तो ये हमारा पैच जो है वो बन के तैयार होता है। तो जो हुक है आप नॉर्मल वायर से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बची हुई वायर से पकड़ की हेल्प से आसानी से बना देता हूँ इस टाइप से। तो उसी के अंदर हमें ये लटकन डाल देनी है और इसको जो है छोटा करके कट कर देना है। तो इस टाइप के जो है हमें लटकने जो है वो 3 और बनानी है, जो कि हमारे कुंदन में लगने वाली है। तो इस टाइप की जो है हमें सेम ही 3 बनानी है। फिर हमारा कुंदन लेके आप इसके ऊपर ग्लू लगाइए। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का मैं और एक बार बता रहा हूँ कि यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है इस टाइप से ये दोनों तीनों हम साइड में ऐसे रख देंगे। अगर आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं तो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मैंने हुक वाली पिन बोली थी जिसे आई पिन बोलते हैं, उस पिन के हमें 2 पिन लेनी है, उसके छोटे छोटे 2 टुकड़े कर देंगे और यहाँ पे ऊपर साइड में थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए इस पिन को ऊपर साइड में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक छोटा शेप बुकरम का लगा देंगे जिससे कि ये पैक हो जाएगा। और देखिए हमारा ये कुंदन जो है बन के तैयार है। इस टाइप से जो है मुझे थोड़ा सा सूना लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा इसके साथ में ग्रीन टचअप दिया जाए। तो नॉर्मली मैंने ये ग्रीन वाला एक मोती लिया जो मेरे पास क्रिस्टल वाला अवेलेबल था, इसको भी मैं इस टाइप से हुक बना के इस हुक को जो है सबसे मिडल वाला जो हमने लटकन बनाया था उसके अंदर मैं सबसे नीचे साइड में फंसा दूंगा, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मली आराम से फंसा लेंगे, नहीं तो वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो आप शुरू में ही डाल दीजिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा भूल गया या फिर मुझे डिज़ाइन का अंदाज़ा नहीं था तो मैंने बाद में डाला है, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, अभी एक छोटा सा ही ग्रीन वाला जो है टचअप बढ़िया देता है, ठीक है। इसके बाद में हमें इस टाइप के और 4 कुंदन, मतलब कि टोटल 4 कुंदन बनाने हैं, 3 कुंदन और बनाने हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अभी से ये नॉर्मल कुंदन या फिर जो हम लटकने या फिर जो भी बोल लो पेंडेंट बोल लो जो भी बनाए हैं वो कितने बढ़िया लग रहे हैं ऐसे ही रखने के बाद, तो नेकलेस में पिरोने के बाद तो और ही बढ़िया लगेंगे। तो इसके बाद में और एक पीस मैंने बुकरम का लिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगाया, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रखा स्क्वायर शेप का और उसके नीचे सेम जो हमने ड्रॉप वाले लिए थे वो मैं 5 कुंदन यूज़ करूँगा। तो ये हमारा सबसे मिडल में आने वाला पेंडेंट बनेगा, मेन पेंडेंट जो होता है वो वाला बनेगा।
तो इसको मैंने कर दिया सूखने के बाद कट, और कट करने के बाद मैं इसके नीचे साइड में लगा रहा हूँ ग्लू। तो यहाँ पे हम जो कुंदन बनाए थे वो सेम हमें, सॉरी लटकन बनाए थे वो सेम हमें पाँचों के पाँचों जगह पे लगानी है। तो जैसे हमने तीन कुंदन यूज़ किए, तीन लटकन लगाई, यहाँ पे पांच कुंदन नीचे के यूज़ कर रहे हैं तो पांच लटकन हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से कि ये निकले नहीं, सूखने तक आप इसको छेड़े ना। इसके ऊपर साइड में भी हम सेम इस टाइप से हुक वाले जो पिन थी वो लगा देंगे, और ऊपर साइड से नॉर्मल बुकरम जो है वो रख के इसको पेस्ट कर देंगे। तो यह हमारा बनके तैयार हो गया। और जैसे मैंने कहा कि सेम ग्रीन वाला इशू, तो इसके नीचे भी मैं एक ग्रीन वाला स्टोन डाल ही दूंगा। तो पकड़ की हेल्प से इसको भी कर देते हैं टाइट, और मोतियों को अच्छे से टाइट करें। तो देखिए पांचों के पांचों मेरे बनके तैयार हो गए और कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अभी मुझे लेनी है एक वायर, तो एल्यूमिनियम की वायर ली और इसके ऊपर साइड को मैंने पैक कर दिया। तो इसको नॉर्मली राउंड बनाया और इसके अंदर जो है हमें चार मोती पिरोने हैं, सेम मोती वही पिरोने हैं जो हमने लटकन में यूज़ किए। तो चार मोती सफिशियंट है, और ये इसके अंदर एक गोल्डन मोती पिरोएंगे, एक ग्रीन वाला मोती पिरोएंगे, फिर हमारा एक पदक या फिर जो हमारा एक पेंडेंट है वो उसके अंदर साइड में एक मोती डाल के इस टाइप से हम पिरो देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में मैं कैसे डाल रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन वाला मोती इसके अंदर पिरो देंगे इस टाइप से। तो ये इसके बाद में जो हमारा दूसरा वाला पदक है, सेकंड नंबर वाला सेम पदक, वो हमें इस टाइप से मोती के साथ में इसके अंदर पिरोना है। इसके बाद में एक ग्रीन वाला मोती और एक गोल्डन वाला मोती। तो आप जैसे आपको अंदर साइड में पिरोने हैं वैसे आप पिरो सकते हैं। ये गोल्डन मैंने बीच में ही डाला, फिर जो बड़ा वाला पदक था उसके अंदर साइड में मोती डालते हुए हमें जो है इसको कर देना है, पिरो देना है इस टाइप से। तो ये आप देख सकते हैं, तो मोती जो है मैं दोनों पिन जो लगाई थी उसके अंदर फंसा रहा हूँ। फिर एक गोल्डन मोती, एक ग्रीन वाला मोती, फिर हमारा छोटा वाला जो पदक है फिर से वो वाला, मतलब कि तीन नंबर वाला छोटा पदक, और फिर एक ग्रीन मोती, और फिर एक पदक और एक मोती जिसके अंदर दो पिन के बीच में एक छोटा मोती पिरोया हुआ है उस टाइप से। तो आप देखिए कैसा लग रहा है बताइए। और इसके अंदर एक ग्रीन वाला फिर से मोती, एक गोल्डन वाला मोती, फिर चार हमारे नॉर्मल वाले मोती। तो इस टाइप से हमें ये पूरा पिरो देना है, और पिरोने के बाद में फिर से इसको एक साइड में कट करके और फिर से इसको राउंड कर देंगे टाइटली। तो ये मोती ना तो निकलेंगे और ना ही आपको परेशान करेंगे। और आप देखिए कितना सुंदर और कितना ही ज़्यादा बढ़िया ये हमारा नेकलेस लग रहा है। आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसको आप धागे में भी पिरो सकते हैं, जैसे मैंने वायर में पिरोया आप धागे में पिरोए। धागे में भी ये काफ़ी अच्छे से पिरो के तैयार होते हैं, पर वायर में कैसा है ना कि ये पहनाते वक्त आपको ज़्यादा आसानी जाता है। सबसे पहले हमें इस टाइप से हेड पिन लेनी है। ये वाली पिन जो होती है वो एक साइड से लॉक होती है, तो इस वजह से कोई भी मोती आप इसके अंदर डालते हैं तो ये मोती अटक जाता है। तो इसके अंदर मैंने पिंक वाला मोती डाल के यहाँ पे इसको मैं एक कपड़े की हेल्प से, क्योंकि ये थोड़ा सा चुभ रहा था तो इस वजह से इसकी हेल्प से मैं इसको राउंड कर दूंगा पीछे वाली साइड से। तो इस टाइप से हमें तीन लटकन वाले मोती या फिर आप लोरियल्स बोल लीजिए इस टाइप से हमें बना लेने हैं। तीनों इन तीनों को एक ही वायर में हमें पिरोना है। तो बनी बनाई इस टाइप से हुक वाली आई पिन मिलती है, पर मैं इसको आपको वीडियो में ही बना के बताऊंगा। नॉर्मली पकड़ की हेल्प से हमें इस टाइप से घुमाते हुए ये वाली पिन को बनानी है। जो वायर मेरी बच गई थी वो वाली पिन से, उसी से मैंने बनाया है। और इस हुक में ये तीनों लोरियल्स हम डाल के इसको जो है सील कर देंगे। तो सील करने से क्या होगा, मोती बाहर नहीं आएंगे। इसके अंदर एक इस टाइप से स्टोन वाली रिंग डाल देंगे, और साथ ही में इसके अंदर एक मोती भी पिरो देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो और इसको जो है ऊपर साइड से थोड़ा सा कट करते हुए, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको एक्स्ट्रा वाले को गोल घुमा देंगे। तो ये हमारा एक हुक बन जाएगा जिसके अंदर की
ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मोती या फिर लटकन जो भी बोले ये बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है पिंक एंड पर्ल में, यानी कि पिंक और वाइट मोती में कॉम्बिनेशन, तो इस वजह से ही ये लेने का मेरा एक उद्देश्य था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक चेन मिलती है दोस्तों मार्केट में, अगर आपको ये चेन ना मिले मोती वाली तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल मोती भी सुई में पिरो के, धागे में पिरो के ले सकते हैं। तो इस चेन से हमें तीन मोती इस टाइप से कट कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें से जब आप तीन मोती कट करेंगे तो इसको हमें नॉर्मली हुक को जो है ढीला कर देना है, और ढीला करके इसके नीचे वाले एंड में, नीचे वाले हिस्से में इसको इस टाइप से पिरो लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया। इस टाइप से हमें जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे जो है वो बना लेने हैं। मैंने टोटल इसके अंदर 11 लटकने बना के तैयार की थी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम वायर लिया जो कि हम नॉर्मली कंगन बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इस वायर को हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको राउंड में घुमा देना है इस टाइप से, और यहाँ पे इसके अंदर शुरू करेंगे मोती पिरोना। तो सबसे पहले जो है हमें 7 पिंक वाले मोती पिरो लेने हैं। तो शुरू में मैंने 5 पिरोए, उसके बाद में मैं और 2 मोती इसके अंदर पिरोऊंगा। तो टोटल 7 मोती पिंक वाले ही हमें इसके अंदर पिरोने हैं। तो इसके बाद में हमारी जो लटकन है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर एक पिंक मोती, फिर एक लटकन, इस टाइप में हमें जो है पूरे इसके अंदर पिरोते जाना है। पिंक मोती लटकन, पिंक मोती लटकन, इसी सीरीज में हमें पूरे पिरो देना है। जब आप आखिरी लटकन पिरो देंगे तो इसके अंदर हमें फिर से 7 मोती पिंक वाले पिरो देने हैं, जो हमने शुरू में पिरोए थे उसी टाइप से लास्ट में भी पिरो देंगे। फिर थोड़ा सा वायर बचाते हुए कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको जो शुरू में हमने जैसे शुरुआत में राउंड कर दिया था उसी टाइप से यहाँ पे इसको भी राउंड कर देंगे। तो हमारा ये नेकलेस जो है मैंने वायर में पिरोया है टोटल, तो आप चाहे तो सुई और धागे में भी पिरो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना हमारा नेकलेस जो है प्यारा बनके तैयार हुआ है। किसी भी कुंदन के नॉर्मल चोकर के साथ आप इसको पहना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका लुक आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा पीस बुकरम का लेना है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड का ग्लू लगा के, जो ब्लू कलर का स्टोन मैंने रखा हुआ है इसको मैं इस टाइप से रख दूँगा। फिर इस स्टोन के आउटर में हमें फिर से एक बार फेवी बॉन्ड का लेयर देना है, और हमें यहाँ पे जरदोशी चिपकानी है। तो मैं यहाँ पे जरदोशी यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बॉल चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बॉल चेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल इस पूरे वीडियो में कर सकते हैं। अब हम इस कुंदन को कट कर देंगे, और इसके जैसे हमें लगभग 15-16 कुंदन ज़्यादा बना लेने हैं, जैसे आपके नेकलेस की साइज़ के हिसाब से आपको ये बना लेने हैं। इसके बाद में मुझे 2 इस टाइप के छोटे कुंदन बनाने हैं, जो मैंने छोटा रेड कलर का स्टोन लिया है, आप इसकी जगह पे कलर अपने मन से ले सकते हैं। इसके राउंड में मैं फेवी बॉन्ड लगा के जरदोशी चिपका रहा हूँ। इसके बाद में इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा को, और इसी टाइप से हमें और 2 लेयर लगानी है। टोटल 3 लेयर हमें जरदोशी की लगानी है। अगर आप बॉल चेन की भी लेते हैं तो इतनी ही लेयर ले, बाद में इसको आप कर दे कट। बाद में यहाँ पे देखिए मैंने एक बुकरम लिया है जिसके ऊपर एक्रेलिक पेंट से गोल्डन कलर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे जो है आप गोल्डन कलर करते हैं तो लुक जो है इसका बहुत अच्छा आता है नेकलेस का, तो अंदर साइड में वाइट वाइट नहीं दिखता। अभी मैंने यहाँ पे एक पुराना नेकलेस लिया है, उसका नाप लेके मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हम इसे हमेशा की तरह ही कट कर रहे हैं। अभी हम इसके नीचे साइड में फेवी बॉन्ड लगाएंगे, और फिर यहाँ पे मैं पर्ल चेन चिपका रहा हूँ, क्योंकि पर्ल चेन से थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। आप इसकी जगह पे मोती की लाइन भी चिपका सकते हैं, यानी कि नॉर्मल मोती जो है वो भी उसके धागे में पिरो के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ नीचे साइड में जरदोशी इस्तेमाल करूँगा, जरदोशी नहीं है बॉल चेन इस्तेमाल कीजिए। तो इसे भी हम इसके ऊपर इस टाइप से तरीके से चिपका देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और जो कुंदन मैंने बनाया है ब्लू कलर में, थोड़े से ज़्यादा बनाए थे मैंने, तो ये मैं एक एक करके जो है इसके ऊपर चिपका दूंगा। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं मैंने टोटल इस नेकलेस में 10 कुंदन स्टोन चिपकाए हैं। तो नॉर्मली बाद में सबसे बीच वाले जो 2 हैं उन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर जो हमारा रेड वाला है वो चिपका दूंगा। उसके बाद में जो यहाँ पे थोड़े से मुझे गैप दिख रहे थे तो यहाँ पे मैं नॉर्मल छोटे वाले कुंदन स्टोन चिपका रहा हूँ, जो कि मेरे पास लॉक वाले थे।
अगर आपके पास ऐसे स्टोन नहीं है तो स्टोन चेन में से स्टोन चेन स्टोन्स कट करके आप चिपका सकते हैं। इसके बाद में मैंने और एक छोटा सा पीस लिया है बुकरम का, इसके ऊपर हम थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगा देंगे या फिर फेविबॉन्ड लगा देंगे जो भी आपके पास है, और फिर एक एक करके जो है हमें यहाँ पे इसके ऊपर 5 कुंदन हमारे चिपकाने हैं जो हमने बनाए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको इस मटेरियल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने रेट के साथ पूरे जो है वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो बीच में जो है हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, फिर जो हमारा रेड वाला दूसरा वाला पैच था वो भी हम इसके ऊपर चिपका देंगे। ऐसे ईयरिंग आप इस दोनों पैचों में से कोई भी एक चूज़ करके आप ईयरिंग के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए अभी ये वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे वाला जो रानी हार है उसको हम मोतियों के साथ में लंबा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक धागे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ज़्यादा धागा लिया है, उसमें थोड़े से मोती पिरोए हैं, तो इसके अंदर हम इस टाइप से रख के जो है यहाँ पे कर देंगे कट। तो आप देख सकते हैं साइज़ का अंदाज़ा आप आपके गोपाल जी के हिसाब से लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ही लिया है, मोती मैंने गिने नहीं है, अंदाजे से ही मैंने इसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3-3 लेयर दूंगा दोनों साइड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी लेयर भी रख दी और इसी टाइप से मैं तीसरी लेयर भी रख दूंगा जिससे कि मेरा जो रानी हार है वो अच्छा लगेगा। आप 4-5 लेयर भी ले सकते हैं या फिर 2 लेयर में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो नीचे साइड में ग्लू लगा के मैं एक छोटा सा पीस बुकरम का इसके ऊपर रख दूंगा तो जिससे क्या होगा वो चिपक जाएगा, और ऊपर साइड में भी मैं इसी टाइप से एक ग्लू के मतलब पेपर के ऊपर या बुकरम के ऊपर ग्लू लगा के इस टाइप से रख दूंगा, और इसके ऊपर और एक मतलब कि छोटा सा पीस कट करके बुकरम का वो भी इसके ऊपर हमें चिपका देना है जिससे क्या होगा ये धागे जो है छूटेंगे नहीं। एक्चुअली मेरी जो है वो छोटी सी क्लिप डिलीट हो गई जो कि मैंने नहीं दिखाई, पर इसके ऊपर और एक जो जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर और एक पीस बुकरम का हमें लगाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दोनों साइड में इसी टाइप से कर देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है धागे हैं उनको कट कर देंगे और बुकरम को भी छोटे सी शेप में हम इस टाइप से कट कर देंगे। याद रहे धागे कट नहीं होने चाहिए। इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे हम लोग और इसके ऊपर पर्ल चेन जो हमने नेकलेस में यूज की थी वो इसके ऊपर चिपका दिए। तो यहाँ पे हम 3-3 लेयर ले रहे हैं इस चेन की, तो यहाँ पे हमने चिपका दिया। अभी हम क्या करेंगे जो हमने जो चोकर बनाया है उसके ऊपर क्या करेंगे इस टाइप से ग्लू लगा के एक लेयर जो है इसकी चिपका देंगे जरदोशी की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा जब आप ऐसे करते हैं ना तो एक आउटलाइन जैसे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे नीचे साइड में ग्लू लगा के एक नॉर्मल जो मेरे पास नायलॉन का धागा था वो इसके ऊपर लगा रहा हूँ और इसे मैं एक गमले के ऊपर ऐसे लगा के रख रहा हूँ। आप चाहे तो पानी की बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा नेकलेस अच्छे से सेट होगा, और यहाँ पे आप ऊपर साइड में चाहे तो इसके भी धागा लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टैक यानी कि ब्लू स्टिक जो होता है या फिर श्रृंगार वाला गोंद जो होता है उसके साथ में मैं इसके ऊपर चिपका के लगाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों को ही ऐसे मैं थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दूंगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो ब्लू टैग था उसकी मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बना दी और इसके पीछे साइड में मैं ऐसे लगा के फिर मैं ठाकुर जी के ऐसे लगाऊंगा तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे आप धागा भी बांध देंगे तो भी चलेगा। हमने अपने एक पिछले एक वीडियो में ऐसे ही रानी हार बनाया था उसके अंदर भी धागा लगाया था, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस टाइप का एक कुंदन जो कि हमारे पास नॉर्मली लॉक वाला स्टोन या फिर कुंदन जो भी आप नाम लेते हैं उस टाइप से लेंगे। इसके ऊपर फेविबॉन्ड हार्ड ग्लू इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पे एक पिन ले रहे हैं, इसको आई पिन बोला जाता है। इसको सिंपली इसके ऊपर रखना है इस टाइप से और नीचे साइड से यहाँ पे हमें कट कर देना है। तो थोड़ा सा स्पेस रखते हुए यानी कि थोड़ी सी पिन एक्स्ट्रा रखते हुए हमें यहाँ पे कट करना है। पिन रखने की पोजीशन आप एक बार चेक करें, आपको इसी पोजीशन में पिन रखनी है। इस ग्लू को अच्छे से सूखने देंगे, बहुत जल्दी से ये सूख जाता है क्योंकि मैंने ग्लू के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से बताई है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे सूखने के बाद पकड़ की हेल्प से ऊपर साइड में अच्छे से राउंड कर देंगे। तो राउंड करने का देखिए आपको कैसे करना है वो आप अच्छे से देख लें। पकड़ की हेल्प से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप पोजीशन देख लें। इस वाले को मैंने सीधा रखा है, इस वाले को मैंने ऊपर साइड से मतलब कि टेढ़ा रखा है, यानी कि आप एक बार देख लें पोजीशन हमने कैसे रखे हुए हैं। इस टाइप से मैंने ये ऊपर साइड से ऐसे आया है, इसकी ऊपर साइड ऐसे आई है। तो यहाँ से हम जब पिरोएंगे धागा तो ये इस टाइप से यहाँ से हम पिरोने में आसानी जाएगी और नीचे साइड में हमारे आएंगे लोरियल्स, ठीक है। तो एक बार इस पोजीशन को अच्छे से देख ले समझ ले, इसके बाद में हम क्या करेंगे इस वाले को
को थोड़ा सा नीचे वाले को ढीला कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले हुक के अंदर दो हमें इस टाइप से डार्क ब्लू कलर के लोरियल, एक मोती वाला लोरियल और एक फेंट ब्लू इस टाइप से डालेंगे। अगर आपके पास ये लोरियल्स या फिर लटकन वाले मोती अवेलेबल नहीं है तो आप जो है नॉर्मल मोती से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस टाइप में हमें जो है वो बहुत सारे ऐसे बना लेने हैं। मैंने टोटल जो है 15 बना के तैयार करे थे, 15 मैंने इस टाइप से टोटल बनाए हैं। तो इस टाइप से हमें पूरे जो हमारे कुंडन हैं उनको जो है हमें यहाँ पे एक वायर में पिरोना है। अगर आपके पास वायर अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करें कि आप सुई धागे में भी इसको पिरो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उससे भी अच्छा लुक आता है। इस वायर के एंड को हमें अच्छे से सील कर देना है ताकि हम जो मोती डालेंगे वो इससे निकले नहीं। तो शुरुआत टाइम में हमें इसके अंदर 5 मोती पिरो लेने हैं इस टाइप से, उसके बाद में एक कुंदन और एक हमारा मोती। इस टाइप से हमें इसी सीरीज में हमें इसको डालते जाना है। तो एक कुंदन और एक मोती, एक कुंदन एक मोती, इसी सीरीज में हमें पूरे जो कुंदन है वो पिरो लेने हैं लास्ट तक। जब सभी कुंदन पिरो के हो जाए तो लास्ट में जैसे शुरू में हमने 5 मोती डाले थे उसी टाइप में लास्ट में भी हमें 5 ही मोती डाल के इसको एंड करना है ताकि ये हमारा छोटा बड़ा साइड से ना लगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी से कितना अच्छा इसे लुक आ रहा है। तो 5 मोती हम लेंगे और इनको भी इसके अंदर पिरो देंगे। तो ये हमारे मोती पिरो के रेडी हो चुके हैं। अभी जो हमारा लास्ट एंड है उसको हम हल्के से कट कर देंगे और कट करने के बाद में थोड़ा सा रखते हुए इसको भी हम जैसे शुरुआत में किए थे उसी टाइप से इसको भी राउंड कर देंगे इस टाइप से। तो बस ये हमारा नेकलेस बनके तैयार हो गया। इसको किसी भी अपर चोकर यानी कि ऊपर वाला एक छोटा सा चोकर बना के या फिर कुछ अलग वे में इसको आप बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। एक चोकर मेरे पास बनाया हुआ है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक कुंदन वाला चोकर है तो इसके साथ आप एक जस्ट लुक देखें, बहुत ही सुंदर ये जो है लुक आता है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मुझे बताना ना भूल। एक बुकरम लेना है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है। तो पेंट मैंने एक गोल्डन एक्रेलिक पेंट से किया है। ये पेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे जो है हमारी फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो अगर आपके पास एक्रेलिक कलर ना हो तो आप कोई भी दूसरा वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर, उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नेकलेस ले लेंगे पुराना वाला जिससे कि हमें नाप पता चल जाए और उस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट्स लेके इसको बीच में से मोड़ के जो है कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ये जो साइड है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं, फेविक्रिल का है मेरे पास में। उसके ऊपर जो है हम लोग बॉल चेन चिपका देंगे और दूसरा भी एक ऐसे ही ग्लू लगा देंगे नीचे वाले साइड में। तो एक चांद जैसा शेप हमें देना है, तो एक देख सकते हैं आप वीडियो में देखिए उस प्रकार से ही दीजिए, मैंने अंदाजे से ही दिया है ये नीचे वाला शेप। उसके बाद में और एक थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे मैं कुंदन लगा रहा हूँ। आप चाहे तो आपकी डिज़ाइन आप चेंज भी कर सकते हैं, पर मेरे पास एक कुंदन अवेलेबल है। अगर आपके पास कुंदन नहीं है तो आप जो है वो नॉर्मल कोई भी कुंदन या फिर कोई भी स्टोन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉप शेप वाले जो कुंदन होते हैं बूंदों के शेप में वो मैंने यूज किए हैं। तो इसको हम अच्छे से अरेंज करके जो है साइड से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा नेकलेस का लुक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी अंदर साइड वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा हमें बॉल चेन से फिल करना है, क्योंकि ये पूरा जो है हमें फिल करके इसी से जो है हमारा एक लुक आएगा। तो छोटी मोटे टुकड़े जैसे भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं वैसे आप फिल कर दें। आप ये बहुत आसानी से शेप किसी भी शेप में बना के ऐसे आप इसको अंदर साइड में फिल कर सकते हैं। तो देखिए बॉल चेन को फिल करने के बाद में एक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है
जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड का ग्लू लिया है और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक हाफ कट मोती या फिर हाफ साइड वाला मोती। मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड हार्ड ग्लू का इस्तेमाल इस वजह से किया क्योंकि मुझे जरदोसी चिपकानी थी साइड से। अगर आप जरदोसी की जगह पे यहाँ पे बॉल चेन चिपकाते हैं तो आपको फेविबॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है फैब्रिक ग्लू से आसान से इससे चिपका सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसको हम लोग कर देंगे कट, और कट करने के बाद जो सेम पैच है नेकलेस के मिडल में हम चिपका देंगे। और चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, और जब हम ये चिपका देते हैं तो नीचे वाला हिस्सा हमें कट कर देना है। तो इस प्रकार से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हमारा ये नेकलेस जो है आप बोल सकते हैं कि एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नीचे साइड में अब हम क्या करेंगे, मोती लगाने वाले हैं। मोती जो है हम एक अलग मेथड से लगाने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम मोती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के मोती लिए हैं, देख सकते हैं आप। ये मोती एक कुंदन के हिसाब से, मतलब एक कुंदन जितना एक मोती एक अंदाजे से है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने ये ली है आई पिन। ये आई पिन आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये सब सारा सामान मिलता है। तो ये आप इसको जो है एक छेद होता है इसके ऊपर, जो कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो है इसके ऊपर एक एक करके चिपकाने हैं। तो चिपकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम इसको छोटा छोटा कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं नेल कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर आपके पास कटर ना हो तो आप नेल कटर का इस्तेमाल बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि कैंची से हम तो इसको कट नहीं कर सकते। अभी ये जो छोटे छोटे जो हमने बनाए हैं इसको जो है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमें इसके ऊपर चिपकाना है। तो चिपकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें दूसरा जो भी पिन चिपकाना है तो ये मोती का नाप लेके हमें, क्योंकि मोती हमें बीच में पिरोना है, तो इसको जो है हम सीधा जो है चिपका देंगे पिन को मोती का नाप लेके। मतलब कि जिस प्रकार से मैंने आप वीडियो में देख सकते हैं उस हिसाब से हमें चिपकाना है। सारे पिंस को हमें एक एक करके चिपकाना है। मैंने मोती कुंदन के हिसाब से इस वजह से लिया है क्योंकि मैं कुंदन के बीच में जो गैप है उस हिसाब से जो है मैं मेजरमेंट लेके एक एक करके जो है ये पिन जो है इसके ऊपर चिपका रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी पिन अपने आप चिपक रही है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और इसके ऊपर एक धागा रख देंगे गोल्डन कलर का, और इसके ऊपर जो है पेपर चिपका देंगे या फिर बुकरम जो है हम इसको कट करके इसके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पे पिन जो है हमारे अगर सेट नहीं है तो हमें इसको सेट करना है। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि पिन आपकी कम पड़ रही है या फिर निकल रही है तो वहाँ पे आप अभी डाल दें, क्योंकि अभी आपका नेकलेस गीला है, क्योंकि अगर ये सूख जाएगा तब डालने में दिक्कत होगी। अभी देखिए मेरी पूरी पिन यहाँ पे अंदर आ गई है। अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा देर से सूखना चाहिए, तो मैं इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से सूखने दूंगा। तो ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से बन गया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जो है हमें सुई धागा लेना है क्योंकि हमें इसके अंदर मोती पिरोने हैं, ठीक है। तो सुई धागा लेके हमें जो है सबसे पहले तो यहाँ पे एक लूप बना देना है, एक गांठ मार देनी है। तो मैंने डबल धागा लिया है, तो जिस प्रकार से मैंने नीचे साइड में नॉट मारे हैं तो यहाँ पे मैं सिंपली एक नॉट मार रहा हूँ इसी के अंदर एक लूप देते हुए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक मोती ले लेंगे और इस मोती को जो है हमें दूसरा वाला जो पिन है उसके अंदर पिरो देना है। नॉर्मली कुछ नहीं, सीधा पिरोना है हमें, कोई इसके अंदर साइंस की ज़रूरत नहीं है सीखने की। बस हमें एक ध्यान रखना है कि जो हमने गैप यहाँ पे पिन वाले रखे हैं उसके अंदर एक एक मोती डालते हुए धागे के अंदर डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट धागा भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग पूरे मोती जो है पिन के बीच में फंसाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरा इसको कंप्लीट करना है और लास्ट में जो है नॉट मार देना है, ठीक है। मतलब कि गांठ मार देनी है, पूरे इसके अंदर हमें ऐसे ही बनाना है, बहुत सुंदर लुक देगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको गांठ मार देंगे। ये जब पूरा हमारा बन जाता है ना, जब हम लास्ट में नॉट मार देते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इस गमले के ऊपर इसको बांध देना है, क्योंकि देख सकते हैं आप हमारा नेकलेस जो है अभी सूखा नहीं है। तो इसको सेट होने के लिए आप बॉटल गमला किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे बांध देंगे तो इसको आधा एक घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा सूखने के बाद में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे शेप पकड़ लिया है, एकदम 3D हमारा नेकलेस बन के तैयार है। अभी हमें, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा स्टोन चेन लगा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लिया है और उसके बाद में स्टोन चेन जो है साइड से मैं इसके आउटलाइन दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच वाला स्टोन थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, ऊपर वाली स्टोन चेन लगाते हुए इसको थोड़ा सा निकाल दिया और फिर उसके बाद में स्टोन चेन लगा दी। बाद में मैंने उसको चिपका दिया है
और उसके बाद में जो साइड वाले जो है उसको भी मैं इसी प्रकार से पूरा स्टोन चेन का एक लेयर दे दूंगा। तो ये सूखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। ये एक नया मेथड था कुछ मेरी तरफ से, मुझे लगा कि आप सभी के साथ में शेयर होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमें कुंदन बना लेने हैं, उसके लिए हमें इस टाइप से बुकरम लेना है। उसके ऊपर मैं फेवी बॉन्ड ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्टोन्स लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं कुंदन वाले स्टोन है, लॉक वाले, जो कि हमने ज्वेलरी मटेरियल में डिटेल में इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये कुंदन जो है इस टाइप से हमें एक एक करके चिपका लेने हैं। तो पूरा फ्लावर का शेप देते हुए 7 टोटल हमें कुंदन ऐसे इसके राउंड में पूरे चिपकाने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 7 इस टाइप से चिपकाए हैं स्टोन्स। तो मेरा ये फ्लावर टाइप से 7 स्टोन्स का फ्लावर बन के तैयार है। इसको हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले तो ये जब तक नीचे साइड में चिपकाया हुआ सूख रहा है तब तक हम इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का पेंट पिंक कलर में इस्तेमाल किया है, मर्जेंटा कलर है। अगर आपके पास एक्रेलिक पेंट नहीं है तो आप नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजिली, बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो एक छोटी सी टूथपिक की मदद से मैं यहाँ पर छोटा छोटा जो है यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, स्टोन को हमें हल्के से लगाना है जिससे कि बाहर साइड में जो इसका कुंदन है वो ख़राब ना हो, और सूखने के बाद इसको कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कुंदन बनके तैयार है। इसके ऊपर हमें इस टाइप से जो पिन मिलती है जिसको हेड पिन बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने पहले से दिया हुआ है, ऐसी हमें छोटी छोटी 4 पिन कट कर लेनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ग्लू लगा के इसके साइड में ऐसे प्लस शेप में मैंने इसको चिपका दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में मुझे इसके ऊपर एक छोटा सा पीस बुकरम का चिपकाना है, और पिन का पोजीशन एक बार देख ले दोस्तों कि किस टाइप से मैंने पिन इसके ऊपर चिपकाई है। तो इसको मुझे पूरा सीधा रखना है, इसका मुंह जो है हमें दिखना नहीं चाहिए, मतलब कि इस टाइप से हमें इसको रखना है और इसको अच्छे से सूखने देंगे। ये गलती से मैंने 8 बना लिए थे, आपको सिर्फ 7 बनाने हैं या फिर 5 बनाने हैं, जैसे आपके गोपाल जी का साइज़ है इस टाइप से, मुझे ऐसे ज़्यादा में बनाने हैं। उसके बाद में मैंने कुछ मोती लिए हैं छोटे साइज़ के, तो आप इस टाइप के मोती भी ले सकते हैं, इसकी जगह पर आप सीड बीड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक लूप बना दूंगा। तो यहाँ पे डबल धागा मैंने सुई और धागे में लिया है, तो यहाँ पे हम एक लूप यानी कि गांठ क्रिएट कर देंगे और फिर 4 मोती पिरो लेंगे। तो इन 4 मोतियों को क्या करना है, हमें जो दूसरा वाला हमने पिन लिया था उसके अंदर से इस टाइप से सुई को निकाल देना है, और आप देख सकते हैं ये इस टाइप से हमें और 4 मोती पिरो लेने हैं इसके अंदर। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4-4 मोती ही पिरोए, तो जैसे आपकी पिन के अंदर स्पेस है उस हिसाब से, या फिर मोती का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है उस हिसाब से, पर ये पूरा हमारा कुंदन जो है इस टाइप से भरना चाहिए। तो ये मैंने पूरा जो है कवर कर दिया, तो टोटल 16 मोती पिरोए हैं। और फिर से एक बार मैं डबल इसके अंदर धागा जो है पिरो रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा टाइटली बैठ जाए। और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे है। यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 मोती पिरो लेने हैं इसके अंदर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मोती जो है वो पिरोए हैं। तो फोकस करने के लिए मैं नीचे वाले मोती जो हटा देता हूँ इस टाइप से। उसके बाद में हमें और 2 मोती पिरोने हैं। वैसे तो हमने 4 मोती पिरोए थे, एक पिन 2 पिन के बीच में 4 मोती पिरोए थे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पहले 2 मोती इसी कुंदन में से लिए और 2 मोती जो है हमने अलग से लिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट कुंदन है उसका जो 4 का एक पार्ट है वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो देखिए, आपके हो सकता है कि सर के ऊपर से जाए, पर अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा वाला कुंदन इस टाइप से पिरो लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 मोती जो है अपने आप में ही ये बन जाता है फिर, ठीक है। फिर दूसरे 4 मोती हमें पिरो लेने हैं नीचे साइड में, जो निचला हिस्सा है हमारे। तो कुंदन में टोटल हमारे 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ये निचला हिस्सा जो है वो कवर करना है, फिर बाद में दूसरा वाला 4 मोती पिरो के वो वाला कवर करना है, फिर 4 मोती पिरो के ये वाला कवर करना है, ठीक है। फिर जो हमने शुरू में 2 मोती दूसरे वाले पहले वाले कुंदन से, फिर दूसरे वाले कुंदन के नीचे साइड वाले 2 मोती, इस टाइप से हमें
ये फिरोना है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो दोनों कुंदन है एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे और इसका लुक भी नहीं बिगड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं क्या कर दूंगा, इसको फिर से ये नीचे वाले जो चार मोती थे पहले उसमें से मैं फिरो दूंगा इस टाइप से, और फिर यहाँ पे जो है मेरा ऊपर वाला हिस्सा जो है मैं वहाँ पे इस टाइप से लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे अपने पहले वाले हिस्से पे आए थे, अभी हमें दो मोती नहीं पिरोने हैं यहाँ पे, अभी हमें डायरेक्टली कुंदन रखना है क्योंकि हम एक ही सुई से काम कर रहे हैं। अगर आप दो सुई से काम करते हैं तो थोड़ा सा ईजी जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपना कुंदन जो है यहाँ पर पिरो लिया है, अभी मैं फिर से ये पूरा तीन बाजू से पहले कवर कर दूँगा, यानी कि चार मोती मैं पहले अपने पिरो दूँगा। तो इस टाइप से मैंने चारों मोतियों को पिरो दिया, अभी हमें इसमें से निकाल लेना है पिन में से। इस टाइप से अभी हम क्या करेंगे, और चार मोती पिरोएंगे और इसमें से डालेंगे, और चार मोती पिरोएंगे और इसमें से डालेंगे। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ दो मोती पिरोने हैं, और दो मोती हमें यहाँ पे दो नंबर वाला कुंदन था उसमें से दो मोती लेने हैं और हमारा तीन मोती वाला कुंदन अटैच हो जाएगा। तो नीचे वाले जो ये दो मोती आपको दिख रहे हैं वो छोड़ देने हैं, और ऊपर वाले जो दो मोती दिख रहे हैं उसके ऊपर से हमें इस टाइप से लेना है, और ये हमारा लॉक हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस टाइप से हम क्या करना है, फिर से एक बार घुमा लेना है इसे अच्छे से ताकि ये थोड़ा सा टाइटली बैठे, और शुरू के यहाँ पे अभी हमें जो स्टार्टिंग वाले दो मोती थे वो ही लेने हैं। तो इस टाइप से गलती से मैंने ज़्यादा ले लिए थे, पर मैंने अभी सिर्फ स्टार्टिंग वाले जो दो मोती थे वो लिए हैं। अभी मुझे फिर से इसके अंदर दो मोती और पिरोने हैं, ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे हमारा कुंदन पिरोना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि दो टाइप का हमें पिरोना पड़ रहा है, एक तो स्टार्ट करना पड़ रहा है दो मोती से, और एक स्टार्ट करना पड़ रहा है डायरेक्ट कुंदन अप्लाई करके, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर और चार मोती पिरो देंगे इस टाइप से, और इसको भी हमें उसी टाइप से कवर कर देना है। तो और चार मोती, और आठ चार मोती लेके अभी हमें सिर्फ ऊपर वाले जो दो मोती हमने शुरू में लिए थे वो लेने हैं इस टाइप से, और इसको जो है कवर कर देना है। फिर नीचे वाले मोतियों से हमें लेकर के आना है आगे साइड में, जो हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा था वो वाला। तो इस टाइप से हमें पिरोते जाना है। तो ऐसे आप नॉर्मल, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी के कुंदन अवेलेबल नहीं है तो किसी भी स्टोन का यूज़ करके आप ऐसी कुंदन बना के आप अपने गोपाल जी के लिए, जैसे कि मोती वाली ज्वेलरी है वो बहुत ही आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सामने वाले हिस्से में लेकर के आएंगे। तो देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो चार हमारे हो गए, अभी मैं पांचवा आपको पिरो के बता रहा हूँ। ये हम लास्ट में, मतलब ये हम देखेंगे, फिर उसके बाद में दो वाले मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी कुंदन हमें इस टाइप से पिरो लेना है, और फिर हमें चार मोती लेने हैं, फिर से चार मोती, फिर से चार मोती, और ऐसे करते करते पिन में से हमें निकालते जाना है। अभी हमें यहाँ पे दो मोती लेने हैं अपने नीडल में। अगर आप इस नेकलेस को बनाते हैं और आपको थोड़ा सा भी हार्ड जाता है तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते देखते पॉज करते करते भी आप इसको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बीडिंग जो है, मतलब ये मोती वाला काम पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे शुरू में ऐसे दिमाग में नहीं बैठता था, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही देखते देखते करता था, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, जो हमने दूसरे वाले दो मोती थे उसमें से पिरोना है, और ये देख सकते हैं आप हमारा पांच मोती वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहे तो इसको इतना ही रख सकते हैं, अगर आपके गोपाल जी तीन या चार नंबर के हैं तो आप यही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मेरे जैसा मैं सात मोती वाला, यानी कि मेरे गोपाल जी छः सात आठ नंबर के गोपाल जी के लिए, और हम इसके अंदर दो जो है
कुंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया है और इस नेकलेस का लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है। आप चाहे तो नीचे साइड में लोरियल्स वगैरह लगा सकते हैं, पर आप जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमें नहीं मिल रहा, आप तो बना ले रहे हैं मटेरियल, दूरबीन लेके भी नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, देखिए मटेरियल आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो पिन लगाई थी उसी के अंदर जो है मैं यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ। जो पिन है मेरे पास यहाँ पे उसके अंदर डाल के दो बार मैंने नॉट लगाई है और मैं अभी इसको जो है वो कट कर दूँगा। तो धागे को मैं कटर की हेल्प से कट कर दूँगा और ये जो थोड़ा सा जो धागा दिख रहा है ना जो कट किया हुआ, ये क्या होता है ना, यही ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम करता है। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, थोड़ा सा हल्का सा ग्लू लगा के इसको मैं पीछे साइड में बिठा दूँगा कि कभी छूटे नहीं, इतना मेहनत से बनाया तो छूटना नहीं चाहिए ना। तो चलिए देख अभी हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसके ऊपर धागा जो है वो भी चिपका सकते हैं इसी टाइप से, या फिर ये जो आपको मोतियों में स्पेस दिख रहा है उसके अंदर दोनों साइड से गोल्डन कलर का थ्रेड डाल के या फिर ब्लैक कलर का थ्रेड डाल के कॉटन का, वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक अंदाज़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ इसको ब्लू टैग से चिपकाने वाला हूँ, उनके शर्ट जो चोली आती है उसके ऊपर चिपका देंगे तो ये चिपक जाता है, ठीक है, श्रृंगार वाले गोंद से। तो आप यहाँ पर देख सकते, तो ये धागे को आप इस टाइप से डबल धागा ले ले और यहाँ पे ऊपर साइड में नीडल वगैरह जो भी पिरोया है उसे कट कर दे, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से एक साइड में, दोनों साइड में धागे आप इस टाइप से लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये नेकलेस का वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, क्योंकि इसे बनाने में और ये आइडिया खोजने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टाइप के कुंदन्स हमें यूज़ करने हैं, थोड़े से बड़े शेप में है और इसको जो हम बोल सकते हैं कि आई शेप कुंदन है आँखों वाले शेप के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप के हमें 12 कुंदन लेने हैं, या आपके गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने टोटल 12 लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो है ये आई पिन ली है जिसके अंदर पहले से एक हुक बना हुआ आता है इस टाइप की, और एक नेल कटर। सबसे पहले तो हमें फेवी बॉन्ड ग्लू लेना है जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। अगर आप फैब्रिक ग्लू ले रहे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से नाप लेते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर और हमें यहाँ पर नीचे साइड में ग्लू लगाना है और ये पिन जो है जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे हमें इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इसके ऊपर रखनी है, इसको थोड़ी देर अच्छे से सूखने देते हैं जिससे कि क्या होगा कि ये अच्छे से सूखेगा तो हम अगली प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारा सूख गया है, थोड़ा सा गीला था, मेरी उंगली में चिपक रहा था, पर फिर भी मैंने इसको जो है अच्छे से हाथों में पकड़ के इसको हमें ऊपर वाले हिस्से को भी इस टाइप से राउंड बना देना है, ठीक है। तो राउंड बनाते वक्त आपको याद रखना है कि आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि किस टाइप से हमें इसको राउंड करना है। तो ये दोनों जो इसके होल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दोनों होल ये वाले साइड में आने चाहिए, ठीक है। अभी हमें दूसरे वाले के साथ में भी ऐसे करना है और टोटल मुझे जो है टोटल मिला के 12 कुंदन ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इनको अभी सुई धागे में मोतियों के साथ पिरोना है। मैंने यहाँ पर जो रेडीमेड टाइप के जो ये लोरियल्स आते हैं वो लिए हैं थोड़े बड़े वाले मोतियों में, और एक पिंक कलर में लिए हैं। तो आप अगर आपको ना मिले छोटे वाले पिंक कलर में है तो आप नॉर्मल जो पिन आती है हेड पिन जिसके अंदर पहले से हुक होता है, या फिर बॉल पिन आपको जो भी मिल जाए वो आप यूज़ करके, देखिए मेरे पास हेड पिन में है, मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप में होती है, आप इसका यूज़ करके भी इस टाइप के लोरियल्स आपको जैसे बना सकते हैं तो बना लीजिए, या फिर अगर आप मोती नहीं मिल जाते हैं तो ना यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा, और कुंदन की जगह पे भी आप नॉर्मल वाले कोई भी जो स्टोन्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने नॉर्मल वाले मोती लिए हैं इसके अंदर पिरोने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मोती सुई धागे के अंदर पिरो लिया, उसके बाद में एक कुंदन, एक मोती, एक कुंदन, एक मोती, इस टाइप से पूरे जो कुंदन हैं हमें आखिर तक पिरो लेने हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा बन के तैयार हो जाता है। तो आपको इसी टाइप में रखते हुए कुंदन को आगे वाली शेप में रखते हुए पूरा पिरो लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक टाइप है, आप डायरेक्टली ऐसे भी पहना दो तो ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर जचने वाला है।
पर अब हम इसके अंदर अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं चार मोती पिरो रहा हूँ क्योंकि मेरे इसके जो साइड में है वो चार मोती लगते हैं ताकि मैं ये साइड वाला कुंदन कवर कर सकूँ। और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे नीचे साइड से लूँगा। पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो पिंक वाला है छोटा वाला वो लेंगे हम। ये आप ना भी ले तो चलेगा, पर मैं थोड़ा भरा भरा लुक देना चाहता हूँ इस वजह से शुरू से ही ले रहा हूँ। तो इसको लोरियल बोलते हैं पिंक वाला, उसको हम ले लेंगे या फिर अंगूर मोती जो भी आप बोलो। एक मोती पिरो लेंगे, एक पिंक वाला मोती, एक बड़ा वाला जो लोरियल है वाइट वाला वो पिरो लेंगे, फिर से एक पिंक वाला और एक वाइट वाला। ऐसा करके हमें पैटर्न लेना है, दो मोती, दो लोरियल और एक बड़ा वाला मोती। इस टाइप में हमें इसको पिरो देना है और आखिर में एक पिंक वाला लेके हमें दूसरे अंदर डालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है दोस्तों, मैं और एक बार आपको समझाता हूँ कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको इस कुंदन से ले लेते हैं इस टाइप से। देखिए, एक मोती लेना है, एक पिंक वाला मोती, एक बड़ा वाला लोरियल वाला मोती, फिर से एक पिंक वाला मोती, एक नॉर्मल मोती और इसके बाद में एक पिंक वाला मोती फिर से लेना है। ठीक है, इस टाइप से। और फिर इसको ये नीचे वाले कुंदन से हमें ऐसे पिरो देना है। तो पूरा हमें इसी पैटर्न में बना लेना है। ठीक है, तो जितने भी कुंदन है वैसे हमें लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, अभी से जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बहुत ही भरा भरा लगता है। जन्माष्टमी के लिए या फिर किसी भी त्योहारों के लिए आप इसे बना सकते हैं। और मटेरियल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, फिर से तीन मोती पिरोने हैं क्योंकि वो वाले साइड में हमने एक मोती पहले से पिरोया था। तो ये तीन वाले मोती पिरोने के बाद में जो हमने एक मोती सबसे पहले पिरोया था इसको सबसे पहले हम टाइट कर लेते हैं नेकलेस को, और फिर ये वाला जो है हमें इसके अंदर से पिरो लेना है इस टाइप से। तो ये हमारा चार मोती का कंप्लीट हो जाता है। इसको हमें अच्छे से टाइट करके इसके ऊपर जो है अच्छे से नॉट लगा देनी है, यानी कि गांठ मार देनी है जिससे कि ये कभी ना निकले। दो चार गांठ मार दीजिए आप या फिर दो तीन मार सकते हैं, और इसको बाद में धागे को एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल वाला जो भी ग्लू है आपके पास वो लेके थोड़ा सा ग्लू लगा के धागे को पीछे साइड में ऐसे चिपका देते हैं, तो ये फिनिशिंग भी आएगा और धागा जो है बाद में छूटेगा भी नहीं। तो ये हमारा नेकलेस बनके तैयार है। इसके साइड में मैंने ये गोल्डन कलर के थ्रेड्स लगा दिए हैं दोस्तों। ये मैंने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले से आपको बताया कि थ्रेड कैसे लगाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। सेम आप कुंदन को ईयरिंग के रूप में भी यूज़ करके आप इसकी ईयरिंग्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पे हम लोग एक बुकरम ले लेंगे जिसके ऊपर हमने गोल्डन कलर से, गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट किया हुआ है। इससे क्या होता है कि ज्वेलरी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। कोई भी पुराना नेकलेस लीजिए और उससे जो है गले का नाप इस तरीके से ले ले। अगर नाप ना हो तो उसकी जगह पे आप अंदाज़ा यूज़ कर सकते हैं। इसको कट कर दिया और कट करने के बाद यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हम चोकर बना रहे हैं सबसे पहले, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ग्लू लगा दिया। और साथ ही में शुरुआत करेंगे बॉल चेन की लेयर से। इसके अंदर हम दो तरीके के ग्लू का इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्लू और ज्वेलरी मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इसके रिलेटेड हमने पहले से वीडियोज़ बना दी है। अब यहाँ पे इसको हमने कट कर दिया। यहाँ पे एक लेयर हम जरदोसी की लगा देंगे, उसके बाद में हम एक लेयर जो है वो बॉल चेन की लगा देंगे, फिर से एक लेयर हम जरदोसी की लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पे एक ग्लू लगा के हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ मोती है गोल्डन कलर में। बॉल चेन थोड़ी मोटी शेप में होगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस टाइप के जो मोती है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपके पास वॉल चेन नहीं है तो बारीक शेप के मोतिया भी आप इस्तेमाल करके वॉल चेन का लुक दे सकते हैं। यहाँ पे इन्हें हमें इस तरीके से रखना है। तो धागे के साथ मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये जो है मोती रखने में भी आसानी होती है और इसकी फिनिशिंग भी बनी रहती है। धागे के छेद जो है वो दिखाई नहीं देते। अभी हम इसको कट कर देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से सूखने देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, जो नेकलेस का इनर वाला पार्ट है उसके ऊपर फेवी बॉन्ड ग्लू इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे एक लेयर जरदोसी की लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला नेकलेस बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 5 गिन के बॉल चेन के बॉल्स लिए हैं, उसको हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू या फिर फेवी बॉन्ड से लगा सकते हैं। मैं फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर इसके नीचे साइड में और ऊपर साइड में आपको यहाँ पे जरदोसी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से इसको हम दोनों साइड से मतलब कि कट करते हुए लगा देंगे। अभी यहाँ पे हम निचला हिस्सा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों के लगने के बाद हम यहाँ पे और एक एक लेयर जो है यहाँ पे बॉल चेन की लगा देते हैं। इस टाइप से ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं टोटल यहाँ पे। और ये पूरा स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगल जो भी हम बना रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दो बॉल चेन के जो बॉल्स हैं वो मैं यहाँ पे साइड में लगा रहा हूँ, जिससे कि ये मेरा रेक्टेंगल जो है वो कम्प्लीट हो गया है। फिर आखिर में यहाँ पर मैं एक लेयर जो है वो जरदोसी के दे दूँगा और इसको कट कर दूँगा। जब हम इसको कट करेंगे तो इसके जो एंड्स है, इसको हमें जो कॉर्नर्स है इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से रेक्टेंगुलर शेप पकड़ ले। और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये मतलब कि बोल सकते हैं कि टूटने का भी चांस होता है। तो हल्के हाथों से आप कीजिए। तो यह हमारा बनके तैयार हो गया। इस टाइप से हमें और एक रेक्टेंगल बनाना है, तो दो रेक्टेंगल्स का यूज़ करके हम लोग यह नेकलेस बनाने वाले हैं। तो इस टाइप से मैं और एक जो है वो बना लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान है बनाना। आप इसकी जगह पे राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रेक्टेंगल्स यूज़ किए हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे साइड में इस टाइप से हमें लगाते जाना है बॉल चेन। तो अंदाजे से मैंने बॉल चेन को कुछ इतना कट किया है। इस टाइप से हमें जो है और लेयर्स बढ़ाने हैं इसके अंदर, मतलब कि ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको मान लीजिए रख दिया और इसके नीचे साइड में और एक एक बड़ी 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 लेयर्स जो है बनती जाएंगी। तो टोटल मैं यहाँ पे देखूँगा कि कितना मेरे रेक्टेंगल को लेयर्स लगेंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से एक छोटी उससे बड़ी फिर से एक उससे बड़ी, इस तरीके से हमें रखते हुए कट कर देना है। और एक जो है हम इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा ये मोती का इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमारे पास हमने फर्स्ट वाले नेकलेस में यूज़ किया। अभी हम एक एक करके सबको चिपका देते हैं। सबसे पहले तो ये जो पैचेस हमने बनाए उसको उल्टा कर देंगे और छोटे से शुरुआत करेंगे और छोटा सबसे कॉर्नर में लगाएंगे। उसके बाद में एक एक करके जितने भी हमने स्टेप वाइज बड़े बनाए हैं उसको हमें इसके ऊपर चिपकाते जाना है। सेम यहाँ पे जो हमने धागा और मोती वाला जो कट किया था उसको भी हम लगा देंगे। सेम हम दूसरे वाले लेयर के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको चिपकाते वक्त अच्छे से चिपकाना है इसके ऊपर, नहीं तो ये अगर आप उल्टा सीधा या फिर इसका आप एक दूसरे के अंदर उलझा देंगे तो फिर बाद में आपको मुश्किल ही होंगी। तो यहाँ पे ये मेरा चिपक के तैयार हो गया है। फेवी बॉन्ड से चिपकाया है तो इसके पीछे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैब्रिक ग्लू से चिपकाते हैं तो पीछे साइड में और एक बुकरम ऊपर साइड में लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको भी हम कट कर देंगे जो हमने पहले बनाया था। और ये हमारा गोल्डन सेट जो है तैयार हो गया है। इसके नीचे हम अभी क्या करेंगे, धागे लगाएंगे, नीचे नहीं मतलब कि जो बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल करके पूरे इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और एक धागा गोल्डन कलर का थ्रेड हम इसके ऊपर इस टाइप से रखते हुए एक और एक लेयर बुकरम का लगा देंगे उसी टाइप में। सेम हम इसके ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, छोटे छोटे बुकरम के टुकड़े करके हम इसके ऊपर चिपका देंगे। आप चाहे तो बुकरम को गोल्डन कलर से भी पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे नेकलेसेस कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैं इयररिंग्स बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क टाइप बनाना है। ये थोड़े से नए स्टाइल के कुछ इयररिंग्स हैं, हमने पहले भी बनाने देखे हैं। इसको हमें इस टाइप से रखते हुए यहाँ पर कट कर देना है और फिर नीचे साइड में थोड़ा सा जो है वो ग्लू लगा के यहाँ पे हम एक गोल्डन कलर का स्टोन चिपका देंगे।
अगर आपके पास गोल्डन कलर का स्टोन नहीं है तो आप कुंदन यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप गोल्डन कलर का पेंट कर दे जिससे कि वो गोल्डन बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके ऊपर दोनों हमारे जो बॉल चेन से जो है इसको कवर कर देंगे, जो हमने स्टोन यूज़ किया है, तो दोनों साइड से हम इसको इस टाइप से बॉल चेन से कवर कर देंगे, इसको कट कर देंगे। आप पोजीशन देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे चिपकाया है, और गोल्डन कलर का जो मैंने स्टोन यूज़ किया है वो मेरा लीफ शेप में है, यानी कि पत्ते के शेप में। अभी यहाँ पे ग्लू लगा के मैं बॉल चेन चिपका रहा हूँ, अंदाजे से मैंने चिपकाई है, एक्स्ट्रा जो है उसको मैं कट कर दूंगा इस टाइप से। और अभी यहाँ पे एक पूरा लेयर जो है हम जरदोसी का दे देंगे इस ईयरिंग में, मतलब कि पूरा जितना भी हमने ये यूज़ किया है इसके साइड में हम पूरा जरदोसी लगा देंगे, जिससे कि इसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा और एकदम गोल्डन ज्वेलरी की तरह लगेगा। इसको हम कर देते हैं कट, और दोनों शेप की ईयरिंग्स हम इस टाइप से बना दिए हैं। अभी अगर आपको यूज़ करना है तो पीछे साइड में आप डंडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे दोनों नेकलेसेस और ईयरिंग्स जो है बन के तैयार है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, और कम से कम सामान में हमने इसे बनाने की कोशिश की है। इसको आप किसी भी अच्छी पोशाकों के साथ पहनाएंगे, पगड़ी या फिर गोल्डन मुकुट के साथ पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस यूज़ करके, सेम मटेरियल का यूज़ करके आप बहुत सारी इसी वैरायटी में ज्वेलरी बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा राधे राधे।